Chapter 11 Work and Energy. In the previous chapter, we have talked about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. तो हमने motion का पढ़ा था, motion के laws पढ़े थे, gravitation के बारे में पढ़ा था. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. अब है work के बारे में, closely related to work and energy and power. In this chapter we shall study these concepts. So अब हमें वही concepts को पढ़ना है. All living beings need food. जितने भी living beings होते हैं उन सबको food की need होती है. जैसे हम हैं plants, plants अपना food अपने आप prepare करते हैं. Living beings have to perform several basic activities to survive. जो living beings होते हैं उन्हें survive करने के लिए बहुत सारी perform several basic activities to survive. उन्हें survive करने के लिए बहुत सारी activities करनी पड़ती है. Like उनका digestion भी होता है, nutrition भी होता है, walking भी होती है. We call such activities life process. और हम उन्हें कहते हैं life process. जैसे हमारा heart है तो वो beat करता रहता है, ये भी हमारे life का एक process है. हमारी kidney है वो filter करती रहती है हमारे blood को, ये भी life process है. जो हमारे stomach के small intestines हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ये फूड को डाइजेस्ट करती रहती है. तो ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं. द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम फ्रॉम फूड. और यहाँ पे इन सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है. वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज. वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. तो हमारे पास बहुत सारी हमें एनर्जी चाहिए होती है. अगर हम खेल रहे हैं, अगर हम दो दिन फास्ट रख लें तो भी हमें ऐसा लगता है कि आज हम खेलने नहीं जा पाएंगे, हमें कम वीकनेस लगती है. एक्टिविटीज दैट आर स्ट्रेनियस रिक्वायर मोर एनर्जी. जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा वर्कआउट वाली होती है उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है. एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़. एनिमल्स भी होते हैं जिनको भी जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी बॉडी में भी वो फंक्शंस होते हैं और वो फिजिकली भी ऐसे कुछ फंक्शंस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल दे मे जंप एंड रन. वो जंप भी करते हैं, कूदते भी हैं, भागते भी हैं. दे हैव टू फाइट. एनिमल्स आपस में लड़ाई भी करते हैं. मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड एंड फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव. तो उन्हें शेल्टर की भी ज़रूरत होती है, फूड की भी ज़रूरत होती है. इन सब को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एनर्जी की भी नीड होती है. ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स. जैसे हम कैमल है, ऑक्स है, वो फेलोज हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, हॉर्स है, कि वेट लिफ्टिंग के लिए. क्या कि उनके कार्ट लगा दी उनके पीछे, जैसे बुलक कार्ट वगैरह होती है तो वो वेट भी कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह. ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स, कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स और प्लग फील्ड्स. ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी. और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है. थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस. अब मशीन के बारे में सोचो. लिस्ट द मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस. अपने लाइफ में देखो कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन सी मशीन्स है. अगर हम कार से कहीं जा रहे हैं उसमें भी एक मशीन ही काम कर रही है. हम कपड़े धो रहे हैं उसमें भी एक मशीन काम कर रही है. मिक्सी चला रहे हैं उसमें भी एक मशीन काम कर रही है. वॉट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग. अगर हम मशीन कपड़े धोने के लिए चला रहे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अगर हम मिक्सी चला रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. सिलाई मशीन चला रहे तो या तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर मैकेनिकल हम फिजिकल हाथ से घुमा घुमा कर चलाते हैं. कार है तो उसके लिए पेट्रोल से उसको एनर्जी मिलती है. व्हाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल. अब उन्हें पेट्रोल और डीजल की नीड क्यों होती है. व्हाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी. उनको एनर्जी की नीड क्यों होती है. अब सबसे पहले वर्क. व्हाट इज वर्क. वर्क देयर इज अ डिफरेंस इन द वे we use the term work in day to day life and they have to we use and the way we use it in science. To make this point clear let us consider a few example. First hai iska not much work in spite of working hard. Kamli is prepared for examination. She spend lot of time in studies. She reads books, draw diagrams, organize her thoughts, collect question papers, attends class, discuss problems with her friends and perform experiment. She expends a lot of energy on these activities. और वो इन सब activities में बहुत ज़्यादा अपनी energy को ख़त्म करती है. कि वो exam के लिए preparation कर रही है तो वो हो सकता है tuition भी जा रही हो,
स्कूल भी जा रही है, मटेरियल भी कलेक्ट कर रही है, एग्ज़ाम भी दे रही है, सब काम कर रही है, लिख भी रही है, पढ़ भी रही है। इन कॉमन पैलेंस शी इज़ वर्किंग हार्ड। और अगर हम उसको देखेंगे तो हम कहेंगे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, शी इज़ वर्किंग हार्ड। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क, चाहे इस हार्ड वर्क में उसने फिजिकल वर्क बहुत कम किया लेकिन मेंटल वर्क किया। में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ़ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। और अगर हम वर्क की बात करें तो उसे बहुत कम फिजिकल वर्क किया। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। और अगर हम कह दें कि उसने एक बड़े से पत्थर को खिसकाया है तो इसका मतलब उसने बहुत मेहनत करी है तभी वो उसको खिसका पाई है। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। However, you have not done any work on the rock as there is no displacement in the rock. और अगर आपको एक बड़ा सा पत्थर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको पुश करो, तो पुश करने का मतलब है आप उसे धक्का दे के कहीं और पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस पर एनर्जी लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो जहाँ था वही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जितनी भी एनर्जी लगाई थी वो सब वेस्ट है। तो आपने क्या काम करा, वो पत्थर जहाँ था वहीं है, तो आपका वर्क तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको जो काम दिया गया था कि इस पत्थर को यहाँ से खिसका के वहाँ लेके जाना है, आप तो नहीं खिसका पाए, तो इसका मतलब आपका वर्क क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश, ये हो गया। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, यू गेट टायर्ड, यू हैव एग्जर्टेड योरसेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, आर यू डूइंग वर्क। आप अपने सर पे एक चीज को लेकर खड़े हुए हो तो क्या आप काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी तो खत्म हो रही है उसको पकड़ने में, लेकिन काम क्या किया, आप जहाँ थे वहीं हो, आपने काम तो कुछ भी नहीं किया। तो वर्क जो होता है, अब उसको देखो आगे, आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, आप उस चीज जो आपने अपने सर पे रखा है उसको, उस पर कुछ काम कर रहे हो, नहीं कर रहे। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। हम ये कहेंगे कि आप अगर सर पे लेके खड़े हो तो आपने कोई काम नहीं करा। असलियत में वर्क होता है जब हम किसी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, जब किसी भी चीज में डिस्प्लेसमेंट होता है तब उस पर वर्क होता है। देखो आगे, यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ ए स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर, आप सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, छत से सामने का नज़ारा देखने के लिए आप छत पर पहुंच गए। यू मे इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री, आप एक लंबे से पेड़ पर भी चढ़ सकते हो। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क, इन एक्टिविटीज़ में काम किया, लेकिन अगर आप सर पे एक भारी सा वजन लेके खड़े तो आपने कोई काम नहीं किया, क्यों भाई। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क, आजकल हम क्या कहते हैं, जिसने फिजिकल और मेंटल वर्क किया उसने वर्क किया। एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क। जैसे हमने खेलना और बातें करना, कोई आवाज़ निकालना या मूवी देखना, कोई फंक्शन अटेंड करना, ये सब वर्क नहीं कहलाता। समटाइम्स नॉट कंसिडर टू बी वर्क। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। अब वी यूज द डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब वर्क होता क्या है उसको समझने के लिए पहले वाली एक्टिविटी को देखते हैं। वी हैव डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच वी नॉर्मली कंसिडर टू बी वर्क इन डे टू डे लाइफ। फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर देम, वॉट इज द वर्क बींग डन ऑन, वॉट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, हु इज डूइंग द वर्क। अब इन सबको आगे देखते हैं। साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, मतलब नीचे छोटा टुकड़ा रखा है उसको पुश करो अ डिस्टेंस, वो जो पेबल है वो एक जगह से दूसरी तरह, पेबल क्या होते हैं, टुकड़ा, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी तरह जगह चला गया। यू एग्जर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस, आपने एक फोर्स लगाई पेबल पे और वो डिस्प्लेस हो गया।
इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, और इसमें क्या हुआ, कुछ वर्क हुआ है। अ गर्ल पुली पुल्स अ ट्रॉली, एक लड़की ट्रॉली वाले बैग्स या ब्रीफ केसेस चलते हैं उसको पुल कर रही है। एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, अब वो ट्रॉली भी मूव कर रही है। द गर्ल हैज एग्जर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड, तो उसे फोर्स लगाई और जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई ट्रॉली। देयरफॉर वर्क इज डन। अब नेक्स्ट देखो, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, एक किताब को लो और उसको ऊंचा उठाओ। टू डू दिस यू अप्लाई अ फोर्स, इसको उठाने के लिए आपने एक फोर्स लगाई। द बुक राइजेज अप, बुक भी ऊपर हो गई क्योंकि आपने उसको ऊपर किया है। देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, हैंस वर्क इज डन। तो अभी हमने तीनों एग्जाम्स में देखा कि एक तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसमें फोर्स लगी है ना, यही तो हुआ है ना। नेक्स्ट देखो, अ क्लोजर लुक टू द एट द अबव सिचुएशंस रिवील्स दैट टू कंडीशंस नीडेड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। मतलब वर्क कहीं पर भी अगर हम कहेंगे कि किसी चीज़ में कोई वर्क हुआ है वो कब होगा, जबकि उस पर कोई फोर्स लग रही हो ऑब्जेक्ट पर, दूसरा वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हो। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना भी ज़रूरी है। इसीलिए जब हमने देखा था कि अगर आप अपने सर पर एक बड़ा सा कोई पत्थर का टुकड़ा या बुक रख के खड़े हैं, कोई भी चीज़ अपने सर पर रख के खड़े हैं, तो क्या वो वर्क है, वो वर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, आपने फोर्स लगा रखी है उसे अपने सर पे रखने के लिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, जीरो। वर्क कहाँ होगा, जहाँ पर आपने कोई फोर्स लगाई है, दूसरा आपने उसको डिस्प्लेस किया है, तभी वहाँ पर वर्क होगा। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं एग्जिस्ट होती तो वहाँ पर वर्क जीरो आ जाता है। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस, अ बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, मतलब बुलक कार्ट देखिए, अगर वो उसे आगे खींच रहे हैं, द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव, फोर्स लग रही है कार्ट पर और वो मूव हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन, येस वर्क इज डन हेयर। एक्टिविटी 11.2, थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, लिस्ट देम, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बींग डन और नॉट। ये तो आप लोगों के लिए है एक्टिविटी, कोई ऐसी नहीं है। आप देखते हैं एक्टिविटी 11.3, थिंक ऑफ ए सिचुएशन वेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन वेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये भी नॉर्मल है, जैसे अभी हमने बताया था कि एक पुली है वो सर पे सामान रख के खड़ा है, तो यहाँ पे क्या उसका फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहाँ पे वर्क भी जीरो होगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस, साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक एफ फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एस क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। लेट डब्ल्यू बी द वर्क, तो क्या हो गया, वी डिफाइंड वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा ना फोर्स की भी नीड है, डिस्प्लेसमेंट की भी, अगर किसी में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है तो वर्क जीरो हो गया, और अगर किसी भी चीज़ में हमने फोर्स नहीं लगाई, फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो हो गया। तो W इज इक्वल्स टू एफ इन टू एस, या कभी कभी D भी आ जाता है, D डिस्प्लेसमेंट के लिए, F डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के लिए, कुछ भी दे सकते हो आप। तो वर्क क्या हो गया, वर्क से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आपको फोर्स दी हुई हो कि उसने जीरो न्यूटन फोर्स लगाई, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दस वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब वर्क जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इन इक्वेशन 11.1 ये रही, 11.1 इक्वेशन ये रही, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस। अगर F 1 न्यूटन है और S 1 मीटर है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर, और इसको हम जूल भी बोल देते हैं। अब जूल की डेफिनेशन क्या हो गई, जब किसी भी
किसी ऑब्जेक्ट को 1 meter डिस्प्लेस करने में अगर हमने 1 newton की फोर्स लगाई देन इट इज कॉल्ड एज 1 joule फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा है दस 1 joule ऑफ द अमाउंट इज ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 newton डिस्प्लेसेस इट बाय 1 meter अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब 1 meter का हमने 1 meter डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर 1 newton फोर्स लगा दी तो वर्क विल बी 1 joule। 1 joule की डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आ जाती है, याद रख लेना इसको। लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। रेफर टू द कंडीशंस दैट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर किसी पर फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, अगर किसी में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। अ फोर्स ऑफ 5 newton इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 meter। तो एफ हो गया 5 newton, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 meter। अब इसका वर्क कितना हो गया, 5 into 2, 10 joule। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 joule। आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 7 newton एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 meter इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट अस टेक इट एंड दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 into 8, 56 joule। कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अब हम एक ऐसी सिचुएशन को पढ़ते हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अ बेबी पुलिंग ए टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड एज शोन इन फिगर 11.4। द बेबी हैज एग्जर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अ बेबी क्या है, फोर्स लगा रहे डिस्प्लेसमेंट की तरफ जहाँ पर कार है। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। अब देखो जैसे ये है, ये बॉय कार की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब वो क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगी। जिधर की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उधर की तरफ ही वो फोर्स लगा रहा है, तो रिटार्ड मतलब रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है। जैसे ब्रेक लग जाते हैं, हम आगे चल रहे हैं, कोई आपको आगे से आके रोक दे तो वो फोर्स ही तो लगा रहे हैं ना, लेकिन रिटार्ड के मतलब रिटार्डेशन होता है। दैट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन इज 180 degree। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट एस। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड द डिनोटेड बाय द माइनस साइन। तो वहाँ पे क्या होगा, एफ जो है वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। द वर्क डन बाय द फोर्स इज एफ इंटू माइनस एस या माइनस एफ इंटू एस। कोई भी चीज़ को माइनस मतलब अगर कोई भी चीज़ नॉर्थ साइड जा रही है, साउथ से कोई भी नॉर्थ हाँ साउथ से कोई चीज़ उस पर फोर्स लगा रही है, अब कोई चीज़ साउथ की तरफ ही जा रही थी तो क्या होगा, उस पर रिटार्डेशन ही तो होगा ना, जैसे ब्रेक की हम बात कर लेते हैं। और अगर हम एक्सीलरेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो एक्टिविटी 11.4, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं। वर्क इज डन बाय द फोर्स एग्जर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। हम उससे ऊपर उठाने के लिए कोई वर्क करेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। द फोर्स यू एग्जर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट ऑन द ऑब्जेक्ट। विच वन ऑफ दीज फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, विच वन इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो जी जो है ग्रेविटेशन वाला वो नेगेटिव आ जाएगा और दूसरा वाला पॉजिटिव।
वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक अगर कोई चीज साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और कोई चीज़ उसे साउथ की तरफ से ही पुश कर रही है आगे के लिए, तो वो वर्क हो गया पॉजिटिव. अगर कोई चीज़ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और नॉर्थ से कोई चीज़ उसको पुश रोक रही है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव वर्क. अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. तो क्या है, लगेज का वेट कितना है? 15 किलोग्राम. एम दिया है हमें ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. और इसका डिस्टेंस कितनी हो गई? 1.5 मीटर. कैलकुलेट द वर्क डन. तो एम दिया है, एस दिया है. अब जब ऊपर की तरफ है तो ग्रेविटी काम करेगी, तो हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस. और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी. तो एम की वैल्यू हमें 15 दी है, जी की वैल्यू 9.8 या 10 रख लो, एस की वैल्यू आपको पता है 1.5 मीटर. और उससे क्या है, आपका आंसर आ जाएगा 225 जूल. अब देखो क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन. कब होगा? जब कोई भी चीज में डिस्प्लेसमेंट होगा और उस पर कोई फोर्स लगेगी तो वहां पर वर्क डन होगा. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो उसके लिए क्या होगा, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही हो रहा है, उधर ही फोर्स लग रही है. तो एफ इज इक्वल्स टू प्लस एफ और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू प्लस एफ इंटू प्लस एस. तो वो वर्क पॉजिटिव होगा. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. कर लेंगे आप लोग. अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लग. द फील्ड बींग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग. हाउ मच वर्क इज डन? 140 इंटू 15. और उससे जो भी आ जाएगा डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. तो ये समझ में आ गया. ये था टोटल जिसके बारे जो हमने पढ़ाया आज वर्क. अब इसके बाद मैं आपको एनर्जी की वीडियो अपलोड करूँगी और वो एनर्जी समझाऊँगी. टिल देन स्टडी द कंसेप्ट ऑफ वर्क. ऑल द बेस्ट.